गाइज़ एंड वेलकम बैक टू इविल मैडी व्लॉग्स। तो गाइज़ आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हज़ार्ड फ्लैशर MT-15 में कैसे इंस्टॉल करना है। हालांकि मार्केट में बहुत से हज़ार्ड फ्लैशर आते हैं जहाँ पे उसकी वायरिंग करनी होती है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है आम पब्लिक के लिए जिनको वायरिंग का नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लाया हूँ, सिर्फ एक मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल में आपको प्लग्स मिलेंगे, उसको सिर्फ आपको जॉइंट करना है, यानी इंसर्ट करना है ये प्लग से वो प्लग में। प्लग एंड प्ले बोलते हैं उसको, प्लग एंड प्ले मॉड्यूल। तो वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, प्लग एंड प्ले करके आप लोग डायरेक्टली आपके MT-15 में हज़ार्ड फ्लैशर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये है सिमटेक का जो बॉक्स मुझे मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमटेक का कंपनी का लोगो है। मैं इसको करता हूँ अनबॉक्सिंग और आपको बताता हूँ क्या क्या है अंदर। आप देख सकते हैं सिमटेक का बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर प्राइसिंग लिखा है 1899। बॉक्स ओपन होते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं वारंटी कार्ड है, 1 ईयर का वारंटी होता है इस पे। यहाँ पे पीछे कुछ डिटेल दिए वारंटी कैसे वॉइड होगा वगैरह वगैरह, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसमें आता है हजार्ड फ्लैशर का मॉड्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लग एंड प्ले PNP यानी प्लग एंड प्ले MT-15 के लिए है, version 2 है। अब इसको देखते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। बॉक्स में आता है एक जम्पर वायर, एक स्विच है जो कि ऑन ऑफ का स्विच है, एंड नीचे आप लोग नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक और स्विच है जो कि मॉड्यूल चेंज करने के लिए है, यानी इसमें 21 पैटर्न्स है फ्लैशर के, तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे नीचे एक बटन दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो चलो अब इंस्टॉल करते हैं बाइक पे। तो हज़ार्ड फ्लैशर इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले ये चारों नट बोल्ट्स ओपन करने पड़ेंगे, एंड ये जो फ्रंट वाला पार्ट है बाइक का इसको ओपन करना पड़ेगा। तो मैं इसको करता हूँ ओपन। तो ये बॉक्स मैंने कर दिया है ओपन। यहाँ पे आपको वायरिंग ढूंढना है, तो जैसे ही आप लोग वायरिंग को बाहर निकालेंगे आप लोग को इतना सारा वायर मिलेगा, 2 2-पिन है वाइट वाला और एक है ब्लैक 4-पिन। यहाँ पे है एक वाइट 4-पिन एंड एक ब्राउन 4-पिन। तो हम लोग को ये 4-पिन निकालना है। ये निकल गया, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब हम लोग को ये जो सिमटेक का मॉड्यूल है इसको इंसर्ट करना है इसमें, ठीक है। यह मैंने अनप्लग कर दिया है। अब ये जो वाइट वाला 4-पिन कोपलर है इसमें हम लोग को ये हज़ार्ड फ्लैशर का प्लग इंसर्ट करना है, एंड दूसरे वाले प्लग में सेम साइड का। अब ये जो ओपन रह गया है इसको हम लोग को दूसरे में इंस्टॉल करना है। अब ये जो पिन बच रहा है ये पिन को हम लोग को जो स्विच है ऑन ऑफ एंड मॉड्यूल चेंज करने का, फ्लैशर चेंज करने का, यहाँ पे हम लोग को वो इंसर्ट करना पड़ेगा। ये वाला जो स्विच है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी वायरिंग कैसे करनी है हम लोग को, मैं ये प्लग को यहाँ पे लगाने वाला हूँ हैंडल पे, एंड इसकी वायरिंग को हम लोग यहाँ से इंसर्ट करके यहाँ से निकालेंगे बाहर, यहाँ से बाहर निकालेंगे हेडलाइट वाले पोर्शन पे, एंड यहाँ पे हैंडल पे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो पहले मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ।
आ गया यहाँ से। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे इंस्टॉल, ये इंसर्ट हो गया। अब ये जो जम्पर वायर है, ये जम्पर वायर को हम लोग को इंस्टॉल करना है यहाँ पे। ये जो डीसी फ्लैशर है इसको निकाल देना है हम लोग को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो पिन है, ये दो पिन में ये जम्पर वायर को हम लोग इंसर्ट कर देंगे। इसको आप लोग टेप से टेप लगा लो एंड फिर यहाँ पे छोड़ दो। गाइस देखा आपने, ये जो हजार्ड मॉड्यूल मैंने मेरे MT-15 में इंस्टॉल किया, बहुत ही सिंपल तरीका था इंस्टॉल करने के लिए। आपको सिर्फ प्लग करना है एंड प्ले करना है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो मॉड्यूल है इसमें 1 ईयर की वारंटी आती है, वाटर प्रूफ है। हालांकि स्विच जो है वो वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कुछ हद तक पानी जाने से बचा सकता है वो, लेकिन जो मॉड्यूल है वो फुल्ली वाटरप्रूफ है, उसमें पानी जाने का चांस ही नहीं है। प्लस पॉइंट ये है कि ये मेक इन इंडिया है एंड प्राइस भी रीजनेबल है डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद में। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।